सो हेलो गाइस, जनरल पैथोलॉजी नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में पैथोजिनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वन है पैथोजेनेसिस पैथोग्नोमोनिक लेसन। सो व्हाट इज पैथोग्नोमोनिक लेसन? दिस इज अ स्पेशल अल्टरेशन और लीजन सीन इन स्पेसिफिक डिजीज। द लीजन दैट पिन पॉइंट द डिजीज। कोई एक स्पेशल फीचर होगा डिजीज का जिससे हम तुरंत, कोई ऐसी साइन होगी जिससे हम तुरंत पहचान सके कि ये पैथोग्नोमोनिक, मतलब ये यही डिजीज है। जैसे एग्जांपल, हम जैसे बनाना को कैसे तुरंत पहचान लेते हैं, वो येलो कलर का है, उसका शेप, वैसे ही डिजीज में भी स्पेशल साइन सिम्टम्स लीजन होता है एक, उससे हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये डिजीज ये है। सो उसे पैथोग्नोमोनिक लीजन बोलते हैं। स्पेसिफिक अल्टरेशन दैट इंडिकेट विदाउट डाउट अबाउट कॉज ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। सो उसके एग्जांपल्स हैं इंक्लूजन इन न्यूरॉन्स। नेगरी बॉडी रेबिस में देखने को मिलती है, वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देख सकते हैं। फिर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स इन हिपेटोसाइट, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, बटन शेप अल्सर, ये बहुत क्लियरली देखने को मिलता है और नॉर्मली बहुत जल्द पूछा जाता है। बटन अल्सर्स इन इंटेस्टाइन, स्वाइन फीवर, पंच्ड आउट अल्सर इन एबोमेजम, थैलेरियासिस, जिब्रा मार्किंग, ये भी बहुत कॉमनली पूछता है, जिब्रा मार्किंग इन इंटेस्टाइन, रिंडर पेस्ट। आपको ये भी याद रखना है कौन से ऑर्गन में देखने को मिलता है, वो बहुत कंफ्यूजिंगली एमसीक्यू में ऐसे उलट सुलट करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल कोरुगेशन इन जीडी, जॉन्स डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट वन है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। सो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स टाइम लैप्सेस बिटवीन द एक्शन ऑफ कॉज एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। एक्शन ऑफ कॉज और मैनिफेस्टेशन, डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है, उस बीच के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट होता है। रिंडरपेस्ट में 4 से 9 दिन का होता है और मरेक्स डिजीज में 4 से 5 वीक का होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। वेरी कॉमन इन एस्टिमेट बाय अ क्लिनिशियन ऑफ प्रोबेबल सीवियरिटी और आउटकम ऑफ डिजीज। फोरकास्टिंग आउटकम, डिजीज के बाद क्या रिजल्ट आता है, फोरकास्टिंग अबाउट लाइकली कोर्स एंड आउटकम ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस में भी रिकवरी और डेथ और इनवैलिडिज्म, या तो डिजीज हुआ है तो रिकवर होगा, या तो डेथ होगा या इनवैलिडिज्म, मतलब बीच में की स्थिति रहेगी, ना डेथ होगा ना इतना ज़्यादा कुछ रिकवर होगा। नेक्स्ट वन है हमारा मॉर्बिडिटी रेट। परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड एनिमल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर डिजीज आउटब्रेक। जैसे एग्जांपल है 100 एनिमल है, उसमें से 20 सफ़र कर रहे हैं डायरिया से, तो मॉर्बिडिटी रेट हमारा हुआ 20%। अब नेक्स्ट हमारा है मोर्टालिटी, उसमें आपको क्लियरली दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मोर्टालिटी रेट है, सो परसेंटेज ऑफ एनिमल डाई ड्यू टू डिजीज आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर डिजीज आउटब्रेक। इसमें एग्जांपल 100 एनिमल है, 20 फॉल सिक, मतलब सफ़र कर रहे हैं डिजीज से, और 5 डाई हो जाते हैं। तो 5% इज मोर्टालिटी रेट बट 20% इज मॉर्बिडिटी रेट। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है बायोप्सी। व्हाट इज बायोप्सी? सुना होगा आपने, बायोप्सी नॉर्मल वर्ड है। सो एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिसीव फ्रॉम लिविंग एनिमल और इंडिविजुअल फॉर अ पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ डिजीज। बायोप्सी इज अ यूजुअली परफॉर्म इन सस्पेक्टेड केस ऑफ कैंसर। कैंसर में बायोप्सी किया जाता है, हेयर लेके या आपकी कोई स्किन स्क्रैपिंग करके, नॉर्मल है। एक ये बायोप्सी, नेक्रोप्सी और ऑटोप्सी में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बायोप्सी क्या है, जो कैंसर में लिविंग एनिमल्स में से कर ले के हम एग्जामिन करते हैं वो। नेक्रोप्सी क्या है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ बर्ड। और ऑटोप्सी क्या है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, नेक्स्ट वन है पैथोजेनिसिटी। कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिजीज। पैथोजन की एबिलिटी या कैपेबिलिटी, सो पैथोजेनिसिटी।
नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी. व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? लास्ट वन होगा आई थिंक, आई गेस. स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर और नियोप्लाज्म. ऑन्को मीन्स होता है कैंसर ट्यूमर, और लॉजी स्टडी. स्टडी ऑफ कैंसर ट्यूमर और नियोप्लाज्म. यहाँ पे दो ट्यूमर दिखाए गए. ओके, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. थैंक यू.